गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एंजेल एजुकेशन वीडियो क्लासेस में। आज हम आप लोग को सीएचएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 रूट एक्स प्लस 32 इक्वल टू 320, ठीक है। अब देखिए दोनों में रूट एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 48 प्लस 32 इक्वल टू 320, दोनों ऐड कर लेते हैं। रूट एक्स ऐसे लिखते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। रूट एक्स इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 80, जीरो से जीरो कैंसिल एंड 8 4 32। रूट एक्स की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो रूट एक्स की वैल्यू 4 है और हमें फाइंड एक्स की वैल्यू करनी है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56/42 इक्वल टू रूट में 64 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए 56/42 इक्वल टू, अब 64 जो है वो स्क्वायर रूट है 8 का, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर हो जाएगा 8 डिवाइड बाय रूट में x। अब कांस्टेंट टर्म को एक सेट एंड वेरिएबल टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट x इधर आ गया लेफ्ट साइड एंड 8/56 इंटू 42, ठीक है। 8 1 8 8 7 56 7 6 42, तो रूट जो x की वैल्यू है वो है 6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 36, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 12 प्लस फिर रूट में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, पहले लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू इतना है, ठीक है। उसके बाद रूट पूरा बनाएंगे 12 एंड इन टर्म्स को एक्स ले लेंगे, ओके। अब स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 12 प्लस एक्स, सारे टर्म्स को एक साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, ओके। एक्स कॉमन कर लें, एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में एंड माइनस 4 इसमें, दो मतलब टू टर्म्स में से कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 4, x की टू वैल्यू फाइंड हुई, एक माइनस 3 एंड एक प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 3 वाले टर्म्स को नहीं लेंगे, माइनस 4 को लेंगे, x इक्वल टू 4 बिकॉज ये पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, रूट में 224 डिवाइड बाई 15 इंटू रूट में 256 डिवाइड बाई 60 324 डिवाइड बाई 18, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो 225 है वो 15 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट में है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा एंड 226 ये 16 का स्क्वायर रूट है इंटू 324, इसमें अंडर रूट नहीं है इसलिए इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिख लेते हैं, ओके। 16 से 16 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल और जो 324 है ये 18 का स्क्वायर रूट है, मतलब 18 टाइम्स डिवाइड होगा, ओके, वैल्यू आएगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 के पावर n इक्वल टू 64, ठीक है।
तो रूट में 2 के पावर n है, मतलब 1 अपॉन 2, 2 के पावर 1 अपॉन 2, और n पहले से ही है तो n अपॉन 2, ठीक है। अब 64 को हम लोग इसका HCF निकालते हैं, 64 का 2 से 32, फिर 2 से 16, 8, 4, 2, 1, 2, 4, 6, 2 के पावर 6, ठीक है। बेस सेम है दोनों का, पावर से पावर का कंपैरिजन कर देंगे, n अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 12, ठीक है। n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सिंपलीफाई करना है। 36 के होल पावर 1 अपॉन 6, ठीक है, 36 के होल पावर 1 अपॉन 6, तो 36 स्क्वायर रूट किसका है, 6 का है, 6 का स्क्वायर के होल पावर 1 अपॉन 6, तो 6 के पावर 2 अपॉन 6, 1 अपॉन 3, 6 के पावर 1 अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के पावर 3 अपॉन 4, ठीक है, इसको भी सिंपलीफाई करना है। देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और होल पावर 3 अपॉन 4 है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के पावर 6 अपॉन 8, और 3 टू जा 6 एंड 3 टू सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 टू जा 4, 3 अपॉन 4, ठीक है। तो देखिए 4 के पावर 3 अपॉन 2 आया, ओके। अब 4 भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2 के पावर 2 ये होल पावर 3 अपॉन 2, तो 2 के पावर 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 8, इसका आंसर क्या आया 8, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू क्वेश्चन बार, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इधर एंड इसका इधर, ठीक है, 2x प्लस 4 इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म्स को एक, उसको एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, ठीक है, तो 4 5 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस, ठीक है, एंड इधर 5x माइनस 2x 9 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एंड डिवाइड में 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 5, ठीक है। इसमें भी हमें x की ही वैल्यू फाइंड, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देखिए 5x प्लस 15 इक्वल टू 8x प्लस 12, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड एंड वेरिएबल टर्म्स को एक साइड, 5 15 माइनस 12 इक्वल टू 8x माइनस 5x, ठीक है, 3 इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू आएगी 1, ओके। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए।